कतर में 8 भारतीय नागरिकों पर मौत की तलवार लटक रही है। देश की सेवा करने वाले 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर ने फांसी की सजा सुनाई है। कतर ने चुपचाप और गैर कानूनी तरीके से भारतीय नागरिकों को सजा सुनाई है। इस खबर ने दुनिया के सामने कतर का असली चेहरा दिखा दिया है, लेकिन भारत में भी कई लोगों का नकाब उतार दिया है। आपने हाल ही में देखा होगा कि कैसे भारत में बैठे कई फर्जी बुद्धिजीवियों, लिबरल लॉबी वाले और पढ़ाई के नाम पर कॉलेज में राजनीति करने वाले स्टूडेंट्स फिलिस्तीन और हमास को लेकर आंसू बहा रहे थे, जगह जगह पर इसराइल का झंडा जला रहे थे, लेकिन इनमें से एक भी व्यक्ति कतर का विरोध करने नहीं आया। ये भारतीय लोग हमास के साथ तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन अपने ही देश के नागरिकों के लिए इनके दिल में कोई जगह नहीं है। ये सभी लोग हमास के लिए तो छाती पीट रहे हैं, लेकिन जब भारत के पूर्व नौसैनिकों की बात आई तो ये अपने बिलों में घुस गए। आप यहाँ इसराइल का ही उदाहरण ले लीजिए। जंग की नौबत आई तो इसराइल की सरकार और सरकार से नफरत करने वाले सभी एक हो गए, लेकिन भारत में तो भारत के ही लोग पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। कतर लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है, लेकिन भारत के फर्जी बुद्धिजीवी कतर का कभी विरोध नहीं करते। विचारों की आजादी के नाम पर भारत में ही बैठे ये लोग भले ही कतर के साथ खड़े हों, लेकिन भारत सरकार अपने नागरिकों को बचाने के लिए कतर को जवाब देगी और जरूर देगी। भारत का ही एक वर्ग आपको हमेशा खालिस्तानियों, पाकिस्तानियों, हमास और कतर के साथ खड़ा दिखेगा, लेकिन जब बात अपने देश की आती है तो ये सभी लंबी छुट्टी पर निकल जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन सभी लोगों के लिए एक बुरी खबर है। खबर ये है कि भारत ना तो कतर को छोड़ेगा और ना ही जुड़वा भाई पाकिस्तान और खालिस्तान को।